Atul Rana and I'm back with electrochemistry. Now I think we are left with two or three lectures for electrochemistry. So now we are on the last step of electrochemistry, that is cells. Okay. So we have studied the electrochemical cell. Now we will study some problems which we come in electrochemical cell. Okay. So some minus points of negative of electrochemical cell. ठीक है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नेगेटिव्स क्या है, व्हाट आर द नेगेटिव्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ओके, फर्स्ट तो ये आ गया, इससे जब हम करंट निकालते हैं ना, वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, तो इससे जब हम करंट विड्रॉ करते हैं तो ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है इसकी. ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है. तुम्हें पता है दिस यू नो दिस थिंग V इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू V बाय आई. करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. तो इस सेल में ना ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज है. ठीक है, तो वो गैप लंबा हो जाता है. सॉल्ट ब्रिज उसमें फिर से सॉल्ट है. ठीक है, तो जितने ज्यादा क्या बोलते हैं लेंथ, तो पता रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो जैसे जितनी जिसकी लेंथ ज्यादा लेंथ होगी सेल की, उसका क्या रेजिस्टेंस ज्यादा होती है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस सॉल्ट ब्रिज रेजिस्टेंस ज्यादा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो करंट कम निकलता है. ठीक है, वोल्टेज जल्दी से डाउन हो जाती है. ठीक है, सो व्हेन वी ट्राई ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस इसमें रेजिस्टेंस हाई होती है. सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है, उसमें सॉल्ट है, तो आई से रेजिस्ट करने वाली करंट को बहुत ज्यादा है. ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप्स वेरी क्विकली वोल्टेज ड्रॉप वेरी क्विकली व्हेन करंट इज विड्रॉन, फ्रॉम द सेल. जब सेल वोल्टेज जिसका अपना ईएमएफ है, दैट इज द हाईएस्ट सेल पोटेंशियल, उसमें से जब हम करंट विड्रॉ करते हैं तो वोल्टेज बड़ी जल्दी ड्रॉप हो जाती है. बड़ी जल्दी ड्रॉप होकर थोड़ा सा करंट निकाल सकते हैं ड्यू टू वेरी हाई रेजिस्टेंस. सो दिस इज वन ऑफ द नेगेटिव्स ऑफ ड्रॉबैक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. सेकंड इसका आ गया कि इट इज नॉट पोर्टेबल. वैसे है, ये सॉल्यूशन है, वो है, पोर्टेबल नहीं है. सॉल्ट ब्रिज को लगा के रखना है. इट इज वेरी मैसी, नॉट कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल. ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये है, इसकी थोड़ी सी ड्रॉबैक्स थी. ठीक है, इसके बाद हमने बैटरी इस्तेमाल करना शुरू कर दी. वी हैव स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ बैटरी. ठीक है, बैटरी क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है. ओके, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बात करना वोल्टेइक सेल की, गैल्वेनिक सेल की. ठीक है, दैट दे आर नॉट, दिस वोल्टेइक एंड गैल्वेनिक वी हैव स्टडीड ना, जिंक कॉपर वाले, दैट आर नॉट वेरी गुड. दीज आर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स. ग्रुप ऑफ सेल्स joined in a series is called a battery. Okay, तुमने physics में पढ़ा होगा कि या तो तुम किसी cells को series में join कर सकते हो या parallel भी join कर सकते हो. जब बड़े सारे cells we this join in series, then that is known as battery. Okay, तो बड़े सारे cells होंगे तो battery से ज़्यादा current निकाला जा सकता है. But sometimes कभी कभी क्या होता है, सिंगल सेल को बैटरी बोल देते हैं. ठीक है, सिंगल सेल इज ऑल्सो कॉल्ड बैटरी, ठीक है. तो प्रॉपर डेफिनेशन ही, पर जनरली हमारी जो लोकल लैंग्वेज होता है, बैटरी निकालो क्योंकि टॉर्च के अंदर सेल होते हैं. तो एक सेल नहीं होता, दो तीन सेल होते हैं, किसी में चार सेल होते हैं बड़ी टॉर्चों में. तो ग्रुप ऑफ सेल ज्वाइन इन सीरीज इज कॉल्ड बैटरी, तभी तो टॉर्च को बैटरी बोल देते हैं. ओके, सो दिस वॉज दिस. अब इसके बाद देखो सेल की प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो सकती है. तो सेल को अब हमने क्या किया, तो तुमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ लिया. ठीक है, अब इसके बाद तुम पढ़ोगे टाइप ऑफ सेल्स. तीन सेल हैं, तो सेल को हमने और फर्दर दिस डायमेंशन दी है. ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको करो देना छोटा सा. तो दिस इज आर लास्ट टॉपिक, ये मैं जल्दी से निपटा दूंगा सेल. ओके, तो देखो सेल है, अब सेल्स देखो तीन टाइप्स के, सेल आर ऑफ थ्री टाइप्स. सेल पहला आ गया इस
फ्यूल सेल ओके नो प्राइमरी सेल, पहले फर्स्ट नंबर पे प्राइमरी आएगा, प्राइमरी सेल, सेकंड नंबर पे आ गया सेकेंडरी सेल और थर्ड पे आ गया फ्यूल सेल ओके, थर्ड पे आ गया फ्यूल सेल। तो प्राइमरी सेल में क्या होता है कि ये रिचार्ज में होते हैं, एक बार रेडॉक्स रिएक्शन हुई उससे वोल्टेज प्रोड्यूस हुई, उसका इस्तेमाल हमने, इसमें कोई इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगी होगी तो रेडॉक्स रिएक्शन होगी, उसकी वजह से कोई ना कोई करंट प्रोड्यूस हुआ, उसका हमने इस्तेमाल कर लिया, सेल डेड मींस वन टाइम यूज है, दे कैन नॉट बी रिचार्ज, दे कांट बी रिचार्ज, वन टाइम यूज मतलब सिंगल टाइम यूज है, सिंगल टाइम यूज ओके। जैसे क्या होता है कि तुम्हारे टॉर्च के सेल है, तुमने टॉर्च में सेल डाल दिए ठीक है, टॉर्च ऑन की तो सेल धीरे धीरे डिम होने जाते हैं, तो टॉर्च की लाइट कम हो जाती है, फिर बाद में वो रिचार्ज थोड़े थे, अब तो जब कई टॉर्च आ गए तो रिचार्ज होती है, वीडियो नहीं पाने वाले जो सिंपल सी टॉर्च होती थी वो रिचार्ज थोड़ी थी, तो दैट वॉज प्राइमरी सेल देवर यूजिंग, जिसके बाद एक बार इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन जब तक चल रही है ठीक है, सिंगल टाइम रिएक्शन होगी जब तक चल रही है तब तक सेल वर्क करेगा, जैसे रेडॉक्स रिएक्शन खत्म होगी सेल वर्क करना बंद कर देगा, तो मैं कांट ओनली को रिचार्ज नहीं करता दोबारा, तो सिंगल टाइम यूज होगी, तो दीज आर प्राइमरी सेल्स ओके। अब ये सर देखो इसके इसमें आ जाएगा आपके पास ड्राई सेल, इसमें पढ़ेंगे ड्राई सेल एंड मर्करी सेल, दो सेल पढ़ेंगे इसमें ड्राई सेल एंड मर्करी सेल ओके। फिर आ जाएंगे सेकेंडरी सेल, तो देखो जी सेकेंडरी सेल क्या होता है उसका उल्टा है, प्राइमरी मतलब जो रिचार्ज ना किया जा सके, सेकेंडरी सेल मतलब विच कैन बी रिचार्ज अगेन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास करके फिर से उसको रिचार्ज कर देंगे, फिर से रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ओके। सो दे कैन बी रिचार्ज अगेन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करके हो सकते हैं। इसमें जाएंगे लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, जैसे गाड़ी की बैटरी देखी तुमने, एक बार बैटरी डेड होगी फिर से उसको ले जाते हैं वो बिजली से चार्ज करके फिर से उसको सही करते हैं, दैट इज सेकेंडरी सेल। एंड सेकंड आ गया निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम बैटरी बोल लो, निकल कैडमियम सेल बोल लो ठीक है, निकल कैडमियम बैटरी ग्रुप ऑफ सेल्स और लेड स्टोरेज बैटरी, तो उसमें दो पड़ेंगे। फ्यूल सेल आ गया जिसमें कंबशन रिएक्शन होती है, कंबशन होती है किसी की भी होगी, हाइड्रोजन की होगी, मीथेन की होगी ठीक है, कार्बन किसी की भी कंबशन होगी, और कंबशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी ठीक है उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। फ्यूल सेल है, फ्यूल मतलब फ्यूल की तरह जलता है, कंबशन करता है, तो उससे जो हाइड्रोजन की कंबशन करा लेंगे, मीथेन की करा लेंगे, फिर किसकी कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की करा लेंगे, कार्बन की करा लेंगे, तो उससे एनर्जी रिड्यूस होती है। अभी जो कंबशन रिएक्शन होगी रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ये कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन होती है, दूसरी जो एनर्जी इस्तेमाल निकलती है उसको हम उसमें इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। सो देयर आर थ्री काइंड ऑफ सेल्स, प्राइमरी सेल्स ओनली वन टाइम यूज जैसे टॉर्च के सेल हो गए, इसमें अगर ड्राई सेल एंड मर्करी सेल, देन द सेकंड पार्ट इज सेकेंडरी सेल मेनी टाइम ओके। नाउ वी स्टडी पहले प्राइमरी सेल दोनों पढ़ेंगे, आज ये पढ़ेंगे और कल ये परसों ठीक है, ये देखूंगा जल्दी समय मैं जल्दी करा। ड्राई सेल पढ़ा जाता, देखो ड्राई सेल है, इसको ड्राई सेल क्यों बोलते हैं वो भी तुम्हें पता लग जाएगा, तो दीज आर द सिंपल टाइप ऑफ सेल, तुमने देखा होगा कहां पे जैसे घड़ी होती ना, घड़ी के पीछे इतना सा सेल पड़ता है पतला सा ठीक है, तुमने देखा होगा पतला सा सेल पतला घड़ी के पीछे, ये देखो ऐसे करके होता है और ऊपर उसकी ये होता है ब्रास की कैप होती है, पतला सेल पतला घड़ी के पीछे, घड़ी जो गोल सी घड़ी उसके पीछे पड़ता है, दैट इज ड्राई सेल ओके। सो हमारा जो फर्स्ट प्राइमरी सेल है वी आर गोइंग टू स्टडी ड्राई सेल ठीक है। ड्राई सेल में करता देखो ऐसे करके है, ड्राई सेल तो बता दू घड़ी के सेल की तरह, ये देखो ये है, ये आ गया घड़ी का सेल बना दूंगा बस, ये आ गया देखो घड़ी के सेल को तुम तोड़ोगे ना तो उसके अंदर से काली सी रोड निकलती है, तोड़ के देखना काली सी रोड निकलती है, काली सी रोड, काली सी रोड होती है ठीक है, इसको मैं पेस्ट करती हूँ अच्छे से, ग्रे साइड की है समय लग रहा है पर अच्छा लगेगा, तुम देखोगे ना काली से रोड होती है, ग्रेफाइट की रोड होती है
ठीक है, एक रिफाइन की रोड आ गई, इसके ऊपर देखो ऊपर तक खींचो इसको, इसके ऊपर एक ब्रास की कैप होती है, इसके ऊपर एक ब्रास की कैप होती है जिसमें बाहर दिखा देती है, ठीक है। और यहां पे इस रोड के बाहर ये रोड अंदर सेल में ढकी हुई है, ठीक है। इसके अंदर एक मतलब इसके अंदर होती है ग्रेफाइट रोड, ये एक गबरी के अंदर होती है, ठीक है। अब देखो ये जो कंटेनर है ये जिंक का कंटेनर है, ठीक है, ये जो कंटेनर है ये जिंक का कंटेनर है, जिंक कंटेनर, ठीक है। एंड इट एक्ट्स एज एनोड, इट एक्ट्स एज एनोड, एनोड मतलब यहां पे करती है ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। ये जो रोड है ग्रेफाइट की रोड होती है, ग्रेफाइट की रोड है, ठीक है, ग्रेफाइट की रोड है, इलेक्ट्रोड है, मतलब ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड है, रोड मान लो इलेक्ट्रोड है ये, तो यहां पे होती है रिडक्शन, ठीक है। ये ब्रास की कैप आ गई, ब्रास कैप आ गई, ठीक है, ब्रास कैप आ गई, साथ में यहां पे जो होता है दैट इज MnO2 प्लस कार्बन, इसके अंदर जो फ्लूइड है दैट इज MnO2 प्लस कार्बन आ गया, और इसके अंदर जो फ्लूइड है दैट इज NH4Cl प्लस ZnCl2, इसके अंदर एक फ्लूइड है, ये तो इसके अंदर आ गया MnO2 प्लस C, और इसके अंदर आ गया NH4Cl प्लस ZnCl2, ओके। अब देखो रिएक्शन क्या होगा, दो रिएक्शन हो सकती है, फर्स्ट रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन मींस जिंक का कंटेनर है, ये बाद में जिंक का कंटेनर कोटेड भी होता है, डबल लेयर होती है, जिंक के कंटेनर पे लेयर बना दी होती है एक और, ताकि इसकी हीट लूज ना, ठीक है, एक और लेयर होती है जिंक के कंटेनर के बाहर लेयर होती है, डबल लेयर। अब इसको ड्राई से देखो क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई फ्लूइड नहीं है, सारी की पेस्ट है, ये पेस्ट है, ये पेस्ट है, तो ये मतलब कोई वो पोर्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, छोटा सा होता ना कहीं भी डालो आराम से, ठीक है। अब ये वाला सर देख लो, घड़ी का सर खत्म हो जाए तो हमारा चार्ज नहीं होता है, तो दिस इज अ प्राइमरी सेल विच कैन नॉट बी डिस्चार्ज, दैट इज ड्राई सेल, वी आर स्टडीइंग अबाउट दिस ड्राई सेल, दिस इज ड्राई सेल, अगर ड्राई सेल है, ठीक है। अब इस पे देखो रिएक्शन, देखो ऑक्सीडेशन होगी इस पे एनोड पे, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, देखो Zn क्या करेगा, Zn देगा Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, Zn क्या करेगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे देखो दो दो रिएक्शन होगी, ठीक है, पहले तो क्या होगा इसके साथ होगी, ठीक है, फिर अंदर वाले फ्लूइड के साथ होगी, तो बाहर क्या है 2NH4 पॉजिटिव, ये तो दो इलेक्ट्रॉन जिंक ने लिए हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेगा, इसको एक्सेप्ट करके क्या बना देगा, ये 2NH3 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है इसका इस्तेमाल अंदर MnO2 कर देगा, ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है इसका इस्तेमाल MnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल कर देगा, तो क्या बन जाएगा Mn2O3 प्लस दो दो चार H2O, ऐसे आ गया। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही है, ओवरऑल रिएक्शन रिडक्शन हाफ में, कैथोड पे ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही है, इसकी तो सिंपल रिएक्शन है, कैथोड पे ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही है, क्या कर जाएगा ये हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कट जाएगा, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, 2NH4 पॉजिटिव प्लस 2MnO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू 2NH3 प्लस MnO2 प्लस वाटर, ओके। अब इसमें जो देखो ये आगे रिडक्शन हाफ की रिएक्शन, ये आगे ऑक्सीडेशन हाफ की रिएक्शन, अब आपको नेट रिएक्शन आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन काटने हैं, बाकी लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड, राइट साइड वाला राइट साइड, तो दिस इज द रिएक्शन। और ये जो NH3 गैस होती है ना, ये जिंक के साथ Zn2 पॉजिटिव एनर्जी के साथ कंबाइन कर जाती है, ओके, बट ऐसा दिखा दोगे तरीके से होती है, दिस इज ड्राई सेल, नो फ्लूइड इन्वॉल्व, ओनली द पेस्ट एंड सॉलिड मटेरियल्स आर इन्वॉल्व, दैट इज नोन एज ड्राई सेल, कंप्लीटली ड्राई, इजी टू पोर्टेबल, गुड सेल, सबसे ज्यादा यूज होता है घड़ियों में, छोटी टॉर्चों में, तुमने देखा होगा, ठीक है, घड़ी के पीछे लगता है, टीवी के रिमोट में होता है।